इज्जत के मामलात में परेशान है, किसी को रोजगार का मसला है, और अगर किसी के पास रोजगार है फिर भी उसके अखराजात पूरे नहीं होते। चंद चीजें और चंद आमाल इस थोड़े से वक्त में अर्ज करता हूं, जिनके इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा भी हासिल होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिजक की तंगियों को भी दूर फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है और इज्जत का जिम्मा भी उसी जात ने लिया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे, इरादा तो ये था कि मैं आग लेके अपने अहले खाना के पास आ जाऊंगा, और अल्लाह की शान है आग लेने आए थे, अल्लाह ने पैगंबरी अता फरमा दी। तो घरवाली का ख्याल आया कि मैं तो उसको छोड़ के आया था, तो उसका क्या मना होगा। मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह ने ये वाक्य बयान किया करते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पत्थर पे लाठी मारो, लाठी मारी तो मक्का से एक और पत्थर निकला, फिर लाठी मारी तो तीसरे पत्थर में से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह के अंदर जो है सबज दाना, और वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, सुभान मई रानी यस्माउ कलामी यारिफ मकानी यरजुकुनी वला यंसानी। अल्लाह की जात पाक है जो मुझे देखती है, अल्लाह को पता है कि मैं तीन पत्थरों के अंदर हूं, और इन पत्थरों के अंदर मैं अल्लाह की तस्बीह पढ़ता हूं, यस्माउ कलामी अल्लाह मेरी तस्बीह सुनते हैं, यारिफ मकानी अल्लाह को पता है कि मैं कहां हूं, यरजुकुनी वला यंसानी हमेशा अल्लाह मुझे वक्त पे रोटी देते हैं, कभी अल्लाह मुझे नहीं बुला। घर वाले भी हों और कभी कभी याद नहीं रहता कि खाना खाने का टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो कीड़ा कहता है यरजुकुनी वला यंसानी, मेरा तो कभी टाइम भी आगे पीछे नहीं हो, वक्त पे खाना मिलता है। तो रिजल्ट देने वाला कौन है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कायनात के अंदर
कोई चीज ऐसी नहीं जिसके रिजक की जिम्मेदारी बंदा पर ना हो। अल्लाह ने जिम्मा लिया रिजक देने, ये तो जमीन पर बसने वाले जो मखलूकात हैं, ये जिसामत में इतनी बड़ी नहीं है, बड़ा जानवर यहां हाथी है, समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कितने बड़े बड़े अफरेद पौधे हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और समुद्र की गहराइयां, समुद्र की वसतें अल्लाह ही जानते हैं कितने हजार मखलूकात समुद्र में है, उनको भी रिजक कौन देता पता है। जंगलों में रहने वाले हजारों जानवर ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं, अल्लाह उनको गोश्त खिलाते हैं। फिर सहराओं की मखलूकात है, फिर दिनाओं की मखलूकात है, ये परिंदे सुबह उठते हैं, इनका ना कोई कारखाना है, ना दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, इनके पोटे जो है खाली होते हैं, लेकिन शाम को जब जाते हैं तो भरे होते हैं। प्राइवेट के बुजुर्ग गुजरे हैं तो मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह वाले थे और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि वो जहां भी जाते थे मेजबान होते थे। तबलीगी सिलसिले में कभी उस मुल्क में जा रहे हैं, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, और जो उनके दस्तरखान पे आता था उसकी तबीयत के मुताबिक उसे खाना मिलता था। अगर मलेशिया वालों का दस्तरखान लगा है तो ऐसे नहीं होता था कि पाकिस्तानी खाने देंगे, जो उनकी तबीयत है उसके मुताबिक, अगर जो है वो अमरीका वाले बैठे उनकी तबीयत के मुताबिक, और मेजबान जहां भी होते थे खुद होते थे। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मैंने पढ़ा कि अगर दुनिया में बुखारी ना रहती तो उनको बुखारी शरीफ जबानी याद, इतने बड़े आलिम। तो उनसे किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या वजह है, इतने बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, इतने बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ये कहां से आते हैं? तो मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तुम जो है अपना सब कुछ अल्लाह को दे दो, अपनी मलकियत में कुछ ना रखो, सब कुछ अल्लाह को दे दो, अल्लाह तुम्हें धनी कर दे, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर दे, फिर तुम्हारे जरिए अल्लाह लोगों को खिलाएंगे। तो हमारा अकीदा और ईमान है कि रिजक देने वाला कौन है? अल्लाह। रिजक की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातहू फरमाने लगे कि एक आदमी सुबह खेत में गया तो खेत जला हुआ था, आफत आ गई, खेत जल गया, फसल जो है सारी तबाह हो। तो वो ऐसे सादा आदमी था, उसने वहां खेत को देखा कि जल गया है, लेकिन अल्लाह पे यकीन इतना था, उसने कहा या अल्लाह खेत तो जल गयो, रिजक तो तू ही दे दे, अल्लाह खेत ही जला है ना, रिजक तो तूने देना है, खेत हो तब भी राजी तू है, खेत जल गया तो फिर भी राजी तू। रिजक देने वाला एक अल्लाह, सबसे पहले हमारा ये यकीन होना चाहिए, और रिजक के अंदर जो इजाफा है या रिजक की जो तंगियां दूर होती है उसके लिए हमारे दीन में कुछ अमाल बताए गए कि ये करोगे तो अल्लाह रिजक की तंगी दूर कर देंगे। ये याद रखें कि एक मुसलमान का और काफिर का मामला बराबर नहीं है। काफिर तो दुनिया में किसी कानून का पाबंद नहीं,
उनके लिए दुनिया जन्नत है हदीस के मुताबिक, और दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, और दुनिया मोमिन के लिए क्या खाना है। इसके लिए अगर चंद जरूरत की चीजें अल्लाह ने दुनिया में दी है, असल जो ईमान वाले का ऐश और आराम है ये अल्लाह ने इसके लिए जन्नत में रखा। हमेशा की नेमतें हैं, हमेशा की जवानी है, हमेशा की सेहत है, बाबा बीवियां है, और तहरे हूर और बिलबाग, और हमेशा रहने वाले फल और नेमते कभी यही रब्बी को बाद कर देगा। तो ईमान वाला जब अल्लाह के कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक उसे दुनिया की जिद्दतों से भी महफूज रखते हैं, अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाते हैं, अल्लाह उसको खिलाएंगे इज्जत के साथ खिलाएंगे। इज्जत तो मिलता ही है, लेकिन कई आदमी रिजक के लिए कितना परेशान होते हैं और कईयों का रिजक ऐसे खींचा चलाता है। तो रिजक के लिए मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी, ये पहला फल है। जो आदमी पांच वक्त नमाज के एहतमाम के साथ पढ़ता है, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसके रिजक की तंगी दूर कर देते, अल्लाह पाक उसके रिजक की तंगी दूर कर देते हैं जो पांच वक्त नमाज एहतमाम के साथ पढ़ता है, पूरी तैयारी के साथ। मैंने अर्ज किया था, एक होता नमाज अदा करना, एक है नमाज कायम करना। नमाज अदा करना क्या है? अब मिसाल के तौर पर जब तक असर का वक्त दाखिल नहीं होता, जोहर का वक्त बाकी रहता है। तो असर के वक्त के दाखिल होने से पहले जब भी नमाज पढ़ेंगे जोहर की अदा शुमार होगी। कोई आदमी दो बजे पढ़ ले, ढाई बजे पढ़ ले, ये नहीं कहेंगे कि नमाज कजा हो गई है, बल्कि इसने अदा की लेकिन कायम नहीं की। कायम यह है कि अच्छे तरीके से वुजू करके एहतमाम के साथ, जवाब के साथ, फराइज का, वाजिबात का, मुस्तहबात का लिहाज और ख्याल करके नमाज पढ़ी जाए, उसे कायम करना कहते हैं। अल्लाह ने जो हमसे तकाजा किया ये नहीं फरमाया कि अतुल सला नमाज अदा करो, अल्लाह ने फरमाया अकीम सला नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो जो बंदा एहतमाम के साथ पांच वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक उसके रिजक की तंगी दूर कर दे। एक तो मेरे भाइयों नमाज का एहतमाम, और दूसरा सुबह का जो वक्त है, जब फजर तुलू होती है उस वक्त से लेकर सूरज के निकलने तक, ये अल्लाह की तरफ से रिजक तकसीम होता है। उस टाइम रिजक तकसीम होता अल्लाह के गैबी मामलात है। अब ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा भाई, हमने तो जो दीन कबूल किया है इसका अक्सर हिस्सा गैब पर है। आपने तो अल्लाह के नबी को नहीं देखा, सहाबा को नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, दोजख नहीं देखी, पुरसराफ नहीं देखा, होते कोसर नहीं देखा, लेकिन सब पे हमारा ईमान है कि नहीं? तो ये क्या चीज है? हमारा ईमान है कि उसको रिजल्ट नसीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा घोड़ा खरीदा तो वो आदमी जो है वो अपने सलाह पैसे लेने गया, ये तो मामला हुआ। जब दोबारा आए क्या लगे, मेरा तो आपने सौदे नहीं हो। आपने फरमाया भाई तुमने घोड़ा मुझे बेचा है, क्या लगे नहीं मेरा आपसे मामला नहीं हो। अब एक सहाबी है, क्या लगे जो हुजूर कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि आप उस वक्त थे जब मेरा सौदा हुआ। अब वो पहुंच फिर दूसरे सहाबी आ गए,
लगे दूर सच कह रहे जो कह रहे हैं, कह लगे आप गवाही देते आप उस वक्त थे कि मेरा सौदा हुआ आपके साथ। वो भी खामोश। इस तरह कई साथी है और चले। फिर एक साहबी है, कह लगे जो हजूर कह रहे सच कह रहे। उस आदमी ने कहा क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? कह लगे हाँ मैं बिल्कुल गवाही देता हूं कि तेरा हजूर से सौदा हुआ है। तो मतलब वो मामला जब खत्म हुआ तो हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने कैसे गवाही दे दी? कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जितने भी आप हमें मामला बताते हैं हमने नहीं देखे, लेकिन हम उस पर ईमान लाते हैं और आपके कहने पर हम उस पर गवाही देते हैं कि आप सच कह रहे हैं। तो ये तो कोई चीज ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल मामूली सा मामला था। तो आका ने सलाम ने फरमाया कि आज के बाद तू एक गवाही देगा लेकिन तेरी गवाही दो के बराबर हो। अल्लाह ने हुजूर की किस्मत और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाया। मैं भी पढ़ रहा था एक हदीस, एक साहबी फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रखा तो मेरे हाथों से ऐसे खुशबू आने लगी जैसे मुश्क होती। तो सुबह का जो वक्त है ये रिज़्क के तकसीम होने का वक्त है और हम जो है सोए होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी दुहूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। ये बरकत वाला वक्त होता है सुबह, तो हमें इसको सोते सो के नहीं इसको गुजारना चाहिए। बड़े फरमाते हैं कि इशरते आदमियत ने मुर्ग तस्बीह खा बदू खामोश। जब सुबह होती है तो मुर्ग भी अजाने दे रहा होता है और इंसान को सोया होता है। इशरते आदमियत ने मुर्ग तस्बीह खा बदू खामोश, सो रहा है और मुर्ग भी अजाने दे रहा। अल्लाह की हर मखलूक उठी होती है, हर मखलूक सुबह उठ के अपनी अपनी जबान में अल्लाह की तस्बीह में लगी होती है, अल्लाह की तहमीद में लगी होती है। तो ये सुबह का वक्त बरकत का वक्त है, रिजक में इजाफे का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं। और तीसरी बात ये है कि मां बाप की जो खिदमत है इससे भी रिजक में इजाफा होता है। माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह ताला जितने भी बंदा गुनाह करता है ना इसकी सजा को टाल देते हैं, लेकिन जो आदमी माँ बाप की नाफरमानी करता है उसको मौत से पहले उसकी जरूर सजा देते हैं। यानी मौत से पहले उसको माँ बाप की नाफरमानी की सजा मिल के रहती। आप सुनते रहते हैं कि एक आदमी अपने बाप को किसी पहाड़ से धक्का देने लगा तो उसने कहा मेरे पहाड़ से मुझे धक्का दो। कहता है क्यों? कहते हाँ मैंने अपने बाप को गिराया। मां बाप की नाफरमानी का जो बवाल है, आप 10 आदमियों को जिनके मां बाप जिंदा है उनमें जितने आदमी परेशान है अक्सर आप देखना कि उसकी या बाप मां नाराज है या उसका बाप नाराज है। मां बाप की नाफरमानी की वजह से भी रिजल्ट में तंगी आ जाती। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं अमल में आप देख रहे। तो मां बाप की हदीस में आता है कि जिसका बाप राजी है उसका रब राजी है, और एक हदीस में आता है कि ये मां बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी दोजख भी है। अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो आखिरत में दोजख है, और अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो दुनिया की तंगियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें। तो मां बाप की नाफरमानी से हर मुमकिन बचना चाहिए।
और इसमें मैं एक बात अर्ज करूं कि आप तकरीबन अक्सर इसी दौर से गुजर रहे हैं। अगर आज हम किसी के बेटे हैं तो हम बाप भी हैं। एक बात यह भी बड़ी सामने आ रही है कि जो बाप या माँ है वो किसी एक बच्चे की बाकत की वजह से दूसरी औलाद पे वो तवज्जो नहीं देते जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। तो माँ बाप को भी अपने रवैये पर जो है गौर करना चाहिए कि ये मेरा बच्चा कहीं मेरी वजह से तो मेरा नाम बर्बाद नहीं करता, वो वजह भी दूर करनी चाहिए। और माँ बाप की दुआएं बच्चों के लिए ऐसे हैं जैसे औलिया अल्लाह की दुआएं होती, चाहे वो कितने गुनहगार। बच्चों के हक में माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती है जैसे अल्लाह की बलियों की दुआएं लगती है। चाहे माँ बाप नेक है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के लिए उनकी दुआएं यह दर्जा रखती है। हमारे बुजुर्ग थे, उनकी वादा कहती थी कि तुम मुझे खुश करो तुम्हें मेरी दुआ मिल जाएगी। एक होता दुआ करवाना, एक होता लेना। आप किसी के पास जाते मेरे लिए दुआ करें, अच्छा वो भी कह रखी कि दुआ हो। एक ये कि उसकी ऐसी खिदमत की जाए कि उसके दिल से हमारे लिए दुआ लगे, वो ज्यादा तासीर रखती, वो ज्यादा मौसर होती। तो माँ बाप की दुआएं ये रिजक के लिए बड़ी नाफे है। अभी हमने पहले सुमारे में वाक्य पढ़ा है कि बनी इसराइल में एक बंदा कत्ल हो गया था। तो मुख्तसर यह है कि उन्हें एक गाय की जरूरत पड़ गई। वो चलते चलते जिस लड़के के पास वो गाय थी, हदीस में आता अलबारू लियुम्मिका, वो बच्चा अपनी मां बाप का बड़ा ही फरमा बरदार, बड़ा फरमा बरदार। अब एक गाय कितने की बिक सकती है, लेकिन मां की फरमा बरदारी का उसे अल्लाह ने यह सिला दिया कि बनी इसराइल वालों को उसकी खाल सोने से भर के देना पड़ा, तब उसको गाय उनको गाय दी गई। गाय की खाल उतारी फिर उसमें सोना भरा। अब देखो उसमें कितना सोना है, इतना नफा दिया एक गाय पैदा करे। और माँ बाप की फरमा बरदारी ये इंसान की रिजक की तंगियां दूर करती है। और चौथी चीजें ये भी याद है कि हम ये चाहते हैं कि मेरी औलाद खुशहाल हो, मेरी औलाद में कोई परेशानी ना आए। हर माँ बाप ये सोचता है। देखे अल्लाह पाक के जो जाब्ते हैं वो अपनी जगह है। कभी ऐसे भी होता है कि जो बाप है वो पैगंबर है, बेटा काफिर। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है, बेटा काफिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है और बाप जो है बुतपरस्त है। ये मिसालें मौजूद है, लेकिन याद रखें कि मां बाप की नेकियों का सिला अल्लाह वाले तो यहां तक फरमाते हैं, अल्लाह सात पुश्तों तक दिखाते हैं, सात पुश्त। अगर हम ये चाहते हैं मेरी औलाद खुशहाल हो तो उसका तरीका यह है कि मैं नेक बन जाऊं, मैं नेक बन जाऊं। ये कुरान है, आपको याद होगा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर अलैहिस्सलाम जब एक जगह गए तो वहां एक दीवार गिरने वाली थी, सोबा पर आप निकाल रहे, वो दीवार गिरने वाली थी। तो हिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा किया। जो सीधा कर रहे वो कौन है, अल्लाह के नबी। और वो दीवार किसकी है, यतीम बच्चों की। फरमाए कि इसके नीचे खजाना है, अगर अभी दीवार गिर गई बच्चे खजाना नहीं दे सकेंगे, दूसरे लोग उठा लेंगे। तो उसकी हिफाजत के लिए एक नबी को अल्लाह ने मजदूर बनाया, उन्होंने दीवार को सीधा किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्यों किया, फरमाया मकाना अबूहुमा सालिका,
इसलिए किया कि इनके माँ बाप नेक थे, इन बच्चों के माँ बाप नेक थे। अंदाजा करें कि माँ बाप की नेकी जो है बच्चों के कैसे काम आती है। अल्लाह ने माँ बाप की नेकी का सिला बच्चों को यह दिया कि वक्त का नबी है, अल्लाह ने उसके जरिए उस दीवार को सीधा करवाया। जाहिर है उनके माँ बाप कितने भी नेक हो नबी से ऊंचे तो नहीं हो सकते, लेकिन एक नेकी बताने के लिए कि माँ बाप की नेकी औलाद को कितना फायदा देती है, तो इससे हमें यह सबक मिला कि अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी औलाद खुशहाल हो, मेरी औलाद धनी हो, मेरी औलाद में पैसा हो, खुशहाली हो, तो उसका तरीका यह है कि हम नेक बन गए, माँ बाप नेक बन गए। माँ बाप नेक बनेंगे अल्लाह इसका सिला उनकी औलाद को भी अता फरमाए। और एक और रिजक में इजाफे का सबब यह है कि ज़ईफ घर के अंदर जो कमजोर लोग होते हैं उनकी खिदमत की जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुमको रिजक दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। हम समझते हैं कि जनाब घर में ये जो हमारा बड़ा भाई कमा रहा है इसकी वजह से घर में ये दौलत की रेल मेल है, पैसा आ रहा है, और ये जो माजूर है बच्चा ये नखट्टू है, ये तो हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन मैं आपको हदीस सुना रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमको रिजक दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से, तुमको रिजक दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। घर में जो बच्चे कमजोर हैं या माजूर हैं उनको अपने पर बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह उन्हीं की बरकत से हमें भी खिलाते हैं। अल खल्क यादुल्लाह, हदीस में आता है ये मखलूक अल्लाह का कबीला है, अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही पसंद है जो अल्लाह के कुंबे की खैरखाई करता है। और एक हदीस में आता है कि जो बंदा जो शख्स अपने भाई के काम में लगा रहता है अल्लाह उसके काम में लगे रहते हैं, यानी जो मखलूक के काम करता है अल्लाह उसके काम बनाते हैं। अगर हमें आप लोगों को बंदा कहते थे ये मेरा फलां काम है आपकी मेहरबानी मेरे साथ चले या ये मेरा काम कर दे, तो हम कहते थे जी हाँ मेरे पास टाइम नहीं। तो फिर से इस बात को समझे जो बंदा अपने भाई की मदद में लग जाता है अल्लाह उसकी मदद में लग जाते। अब अपना वक्त किसी भाई के लिए फारा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारा काम खुद बनाते हैं। आप अखलूक की खिदमत में लग जाते हैं और खालिक हमारे काम बनाने में लग जाता है। और यह मैंने अर्ज किया था कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फरमाते कि जो तुम्हारे पास जरूरतमंद लोग आते हैं उनकी जरूरतें पूरी करने में बुखल ना किया करो, अगर तुमसे हो सकता जरूर करो, ऐसा ना हो कि अल्लाह उनकी जगह तुम्हें खड़ा कर दे और तुम्हारी जगह उनको खड़ा कर दे। उन जरूरतमंदों को अल्लाह ने तुम्हारा मोहताज बनाया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उनका मोहताज बना दे और उनको तुम्हारी जगह पे खड़ा कर। और मेरे भाइयों आजकल जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या कोई रिश्तेदार बूढ़ा है उसका कोई आसरा नहीं, उसको भी हम बोझ समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरकातिकुम अला काबिर, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यहां पे सफेद बाल वाले बैठे हैं उनसे भी पूछे कि जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं तो कितनी बरकतें होती, मां है बाप है बड़े लोग जिस खानदान में होते हैं एक तो वो खानदान जल्दी नाकाम नहीं होगा। जाहिर है आदमी का 70 साल का तजुर्बा है
उससे पूछ के चले गए तो जल्दी तो मार नहीं खाता था कि जाइए कि 25 साल का अपने फैसले खुद ही करना शुरू कर दे। और दूसरा अल्लाह पाक उनकी बरकत से बरकत अता फरमाते हैं। आजकल माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, एक बेटा कहता है जी इसको अपने साथ रखो, मेरे तो पहले अखराजात पूरे नहीं होते, दूसरा कहता तुम रख लो, एक दूसरे की तरफ धकेलते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरकात जो माल काम, इनके साथ रखने से तुम्हारे रिज़्क में तंगी नहीं आएगी, बरकत आएगी। और फिर इनके बाल सफेद होते, चाहे वो माँ बाप हो चाहे बापू हो, जो भी रिश्तेदार हो बड़ा हो, एक बंदा बेसहारा हो गया है सारा, वो पहले अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने भांजों को भतीजों को, कि कोई तो मेरे अपने करीब करे। तो इनको साथ मिलाने से करीब करने से याद रखे रिजल्ट तंग नहीं होता, बल्कि रिजल्ट में क्या आती है बरकत आती है। हर आदमी को यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर मां बाप जिंदा है तो कोशिश करें उसको अपने साथ रखें, मां बाप को अपने साथ रखें, या कोई और अजीज और कारीब रिश्तेदार बुरा है जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं उसको अपने साथ मिलाए, इससे रिजल्ट पे बरकत आए। ये हदीस है बरकातिकुम माला का, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ। और बातें तो बहुत सारी है, एक और रिजल्ट में इजाफे की बात आपको बता देता हूं। डॉक्टर अब्दुल हयार की सारा रहमतुल्लाह ने ये बात फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कोई आपकी खिदमत में कोई हदिया लेके आता था, तोहफा लेके आता था, इसको गिफ्ट कहते हैं, दुआ करें अल्लाह हमें भी हदिया देने की तौफीक अता फरमाए। ये क्या है, ये सदका, ये क्या सदका, सदका सदका। कई तो ये भी पूछते हैं मां बाप को सदकात लगती है, ये हदिया का जो हमारी शादियां हो रही होती है और सलामी दे रहे होते, और नियत क्या होती है कि 500 दिया है मेरे बेटे की शादी होगी 1000 आएगा, ऐसी सलामियां लेने से तौबा करें, ये सूद का और कर्ज का खेल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई तो मैंने ऐलान किया कि मुझे ये जो तुम सलामियां दे रहे हो मुझे ना दो, तो मुझे मारा रिश्तेदार कह लगे अच्छा लोग ही तो हटे ना जोर खान आए, मैं फिर मैं वापस कोई नहीं करता कि क्या मतलब मेरे पूछते फिर। अगर कर्ज की जरूरत है तो बंदा 10,000 किसी ने 2,00,000 रुपए किसी ने कर्ज ले ले, 500 का उसका बदलू, 500 का उसका बदलू, 1,000 का उसका बदलू, ये सलामी है। अब अगर आदत के इतवार से देखे तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो बंदा मर जाता है उसको वापस नहीं करते, उसने तो हदिया की नियत नहीं की होती, उसने तो 500 के बदले 1,000 की नियत की होती। घर में अगर 500 बंदे आए, 500 ने सलामी दी है, तो बताएं वो बंदा कितने लोगों का मकरूज हो गया। शादी खुशी का मौका है, हजरत अली जब निकले जिरा बेचने के लिए शादी की, और उस्मान ने कहा कितने की बेच दो, उसने कहा इतने की, उन्होंने जिरा भी ले दिया और उन्होंने पैसे भी ले दिया कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, शादी का खुशी का मौका है। और हम खुशी के मौके पे कर्जे चढ़ाते हैं ताकि आखिरत में आप देश का गिरेबान अच्छे तरीके से पकड़ सके। तो 100 बंदे का वो मकरूज हो जाता है 500 का, और जो 5,00,000 का कर्जा वो भी कर्जा है, और जो 500 का कर्जा वो भी कर्जा है। अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह हमें हदिया करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये लफ्ज़ भी हमें याद नहीं, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया तहातु तहातु, हदिया दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे तुम्हारी मोहब्बतों में इजाफा होगा। पता नहीं हम मोहब्बत करने नहीं चाहते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कोई आपको गिफ्ट देता था, हदिया देता था, तो आप उससे बेहतर गिफ्ट देते थे।
उससे बेहतर हदिया देते थे, उससे बेहतर बदला देते थे। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि तुमने अल्लाह से कोई काम करवाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक हदिया पेश करो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर बदला अता फरमाएगा। और उलमा ने यहां तक लिखा है कि तुम अपनी दुआ के शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ो, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ो और दरमियान में अपनी दुआ मांगो। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल है, ये रद्द नहीं है। अदी मिसलात अला नबी मुहम्मदी फकबूलुहा हत्वा बिदून तरद्दुद। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है। अब बता, अपनी दुआ के शुरू में भी दुरूद पढ़े, आखिर में भी दुरूद पढ़े, दरमियान में अपनी दुआ मांगे। अल्लाह तो बड़े सखी है, ये हो सकता है कि पहली भी दुआ कबूल हो जाए, बाद वाली भी कबूल हो जाए और दरमियान वाली रह जाए। अल्लाह वालों ने बड़ी जो है बात समझाने की कोशिश की कि अल्लाह से मांगने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो, उसका फायदा ये होगा कि जो तुम अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। और आखिरी बात यह है कि इंसान को बहुत वफा रिज़्क मिलना होता है लेकिन उसके गुनाहों की वजह से रोक दिया जाता है। तो हम सारे लोग जो है अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह हमें से इस्तेमाल नसीब करें।